हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश पटेल, हिप्नोसिस हीलर एंड लाइफ कोच। दोस्तों, पिछले हफ्ते कई सारे डिप्रेशन के पेशेंट हमारे सेंटर पर आए, लेकिन इसमें से दो पेशेंट ऐसे थे जो 95 से एंटी डिप्रेशन दवाइयां ले रहे हैं। 95 से आज तक उसने भारत के बड़े बड़े डॉक्टरों से डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ली है, लेकिन आज तक उसका डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ है। दोस्तों, मैंने मेरे वीडियो में पहले कई बार बताया है कि एंटी डिप्रेशन दवाइयों से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, इसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और ये सभी पेशेंट में एक कॉमन बात ये होती है, ये सभी पेशेंट फिजिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब उसको काम करने की कोई इच्छा ही नहीं होती, कोई काम में मन ही नहीं लगता, उसका शरीर उसको साथ नहीं देता है, उसको कोई काम का मूड ही नहीं रहता है, ना ही उसको घूमने की इच्छा होती है, ना शॉपिंग की इच्छा होती है, ना रिश्तेदार के घर जाने की इच्छा होती है, ना ही रिश्तेदार को घर बुला के उससे बात करने की इच्छा होती है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि फोन रिसीव करके बात करने की भी इच्छा नहीं होती है। इसकी वजह है एंटी डिप्रेशन दवाइयों की साइड इफेक्ट। एंटी डिप्रेशन दवाइयां व्यक्ति को शारीरिक रूप से बिल्कुल इनएक्टिव कर देती है। इसका मतलब है दवाई देकर व्यक्ति को बिल्कुल खत्म कर देना। दोस्तों, मेरे अनुभव से मैंने ये जाना है कि एंटी डिप्रेशन दवाइयों से कोई व्यक्ति ठीक होता ही नहीं है, बल्कि उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति डिप्रेशन से ठीक होना चाहता है, उसे नेचुरल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, और 100% नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पर दी जाती है।